बाबा नहीं है, उसका नाम जो है अनुपम मौर्य नाम, और आदमी जो है समझ रहा है बूढ़ा है, लेकिन वो बूढ़ा नहीं है। वो तो 2-3 साल से वीडियो बना रहा है, उसका 2-3 साल से वीडियो नहीं वायरल हो रहा है, उसको बूढ़ा बन गया। जानते होंगे कि बूढ़ा का बनता है वो मछली वाला जो बनाता है पुतोया पुतोया वाला, तो वही नाम करे, वो बूढ़ा है ये नहीं है। वो उसका नाम पूरा नाम है अनूप मौर्य। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि बताना चाहता है कि बाबा जो है बनारस का, वो वीडियो में वायरल हुए हैं, लेकिन वो बाबा है क्या है पता नहीं है। उनकी कोई पर्ची की मोहताज नहीं थे, लेकिन वो रातों रात अपने पर्चे से मोहताज हो गए हैं, पूरा ऑल इंडिया उनको जाने लगा है। वो गाना या क्या बजाए पता नहीं, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि बाबा हुआ है। और उसी विषय पर बात करने के लिए कंचन जी बैठे हुए, जो झंझन का आवाज़ यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो मैं इनसे ही आज बात करूँगा कि वो बाबा है या क्या है। वो बाबा नहीं है, उसका नाम जो है अनुपम मौर्य नाम है। अच्छा, और अनुपम मौर्य नाम है, और वो कॉमेडी वीडियो जो है कॉमेडी वीडियो शूट कभी कभी करता है। और वो जो है जो आदमी जो है समझ रहा है बूढ़ा है, लेकिन वो बूढ़ा नहीं है। उसका वीडियो वायरल नहीं हो रहा था, तो कॉमेडी वीडियो बना कर और मोचदारी रंग लिया है, और रंग कर जो है गमछा तमछा बांध कर सोच रहा है हम पहली प्यार का पहली ये बार इतना आदमी गाता है उसको वायरल नहीं होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि अगर आदमी बांध के चलिए सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाने, मतलब रातों रात कोई वायरल हो जा रहा है, कोई वीडियो बनाते बनाते साल 2 साल 4 साल से उनका एक भी वीडियो नहीं चल रहा है। वो तो 2-3 साल से वीडियो बना रहा है, उसका 2-3 साल से वीडियो नहीं वायरल हो रहा है, उसको बूढ़ा बन गया। जानते होंगे कि बूढ़ा का बनता है वो मछली वाला जो बनाता है पुतोया पुतोया वाला। अच्छा, बुढ़वा क्या वो बुढ़वा है, वो भी जवान लड़का है। एक कॉमेडी वीडियो जो बनाता है वो बूढ़ा हो बूढ़ा जवान हो जाता है वो तो चलता है, लेकिन ये बताइए कहीं स्टूडियो में बैठ जाइए और उसके बाद आप 2-3 को बैठा लीजिए, उसके बाद गाना शूट करवाइए, ये बूढ़ा का रोल मैंने तो आज तक कैसा भी मैंने देखा उम्र में, लेकिन आज तक एक भी नहीं देखा कोई बूढ़ा आदमी हुआ स्टूडियो चला रहा हो इस तरह का। वही नाम करे, वो बूढ़ा है ये नहीं है। वो उसका नाम पूरा नाम है अनूप मौर्य नाम है, और कहीं ना कहीं जो है सो झूलर बाबा और दादा के नाम से वो फेमस हुए हैं, लेकिन वो झूलर दादा नहीं है। वो जो है के नाम है अनूप मौर्य नाम है उसका। सोशल मीडिया पे देखिए कितना भी वीडियो ट्रेंड कर रहा है कंचन जी, और वीडियो चलते ही रहता है, लोग 2 साल 4 साल 5 साल से वीडियो बना रहे हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये रातों रात आए स्टूडियो में किसी का गाना बजवाए और एक ही दिन में वायरल हो जाते हैं। ये वायरल हुआ है, इसका कारण है कि ये वायरल हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं रागिनी विश्वकर्मा जो है भीख मांगती थी, वो गाना बजा कर भीख मांगती थी, चंदा इकट्ठा करती थी, और उसका भी जो है वीडियो वायरल हुआ था, उसी को बैठा कर ही बार बार वीडियो शूट करता था। अनुपम मौर्य नाम है इसका। अच्छा, और यही वायरल किया, और मोजदारी एक केमिकल आता है वो पाउडर उडर लगा के गमछा बांध लेता है, समझता है पूरा गवार है, लेकिन ये गवार लड़का नहीं है। इसका 32-33 साल उम्र है, पढ़ा लिखा इंसान, स्टूडियो ही खुद चलाता है, और कहीं ना कहीं कॉमेडी स्टार है, कॉमेडी वीडियो बनाता है, और अब तो वीडियो वायरल हो गया तो अब और स्टार हो गया। और मीडिया वाला जाता है मुंह में माइक उड़ता है, लेकिन सच्चाई दिखाने का काम नहीं करता, उसको खाली जाता है कि हां बाबा वायरल हो गया। जैसे कि इन्होंने वीडियो जो बनाया एक ही दिन में, वो जो अपने अनुपम मौर्य के बारे में बता रहे हैं, और जो आप बता रहे जो भीख मांग के चंदा उंदा करके गाना गाती थी, तो उनके साथ एक ही दिन आए, एक ही दिन में वीडियो वायरल हो गया। नहीं नहीं, वो नाम है रागिनी विश्वकर्मा, वो सब जगह गाना गाती थी, हारमोनिया पर गाना गाती थी, और वो एगो खेसारी लाल का गाना गाई, तो उस पर वो जाके वो वायरल हुआ, और उसके बाद ही अनुराग इंटरटेनमेंट करके वो अपना स्टूडियो में उसको काम ऊपर रख दिया, और जब जब वो जहाँ जाती थी तहाँ तहाँ शूट करता था, उसको वीडियो डालता था। और वही स्टूडियो बनाने के कारण ये जो है ये भी अपना ट्रिक आजमाया, ये भी जो कॉमेडियन है जो है कॉमेडियन का काम करता था, इसको भी वीडियो शूट कहीं ना कहीं देखिए कहीं ना कहीं अगर मान के चलिए ये पहला वीडियो इनका होगा, इनसे पहले भी ये वीडियो बनाए थे क्या? इनसे पहले बहुत वीडियो है, कम से कम 100-150 वीडियो होगा इसका, अनुपम मौर्य का 100-150 वीडियो होगा कॉमेडी वाला। वो सब वीडियो जो है लाइक नहीं हुआ, ज़्यादा व्यू नहीं आता था उसका, लेकिन अभी जो ये गाना वायरल हुआ इंस्टा पर आया, रातों रात जो है रात भर में 10 मिलियन व्यू चल गया उसका। अच्छा, तो ऐसा भी हो जाए कि हम भी एक वीडियो बना ले इंस्टा का, तो मेरा भी 20 मिलियन आ जाएगा क्या? वैसा नहीं ना होता है, वो मेहनत किया है ना, कम से कम उसका 3 साल से मेहनत कर रहा था, सक्सेस नहीं हो रहा था, अचानक आज करा बुढ़ा के रूप में तो सक्सेस मिल गया। अच्छा, इसका मतलब लोग समझ नहीं रहा जो बुढ़ा है कि जवान है, लेकिन वो जवान आदमी है। कंचन जी, कहीं ना कहीं ऐसा भी हो कि आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं, वीडियो आपका चल रहा है, और आप जब वीडियो बनाने लगे वीडियो वायरल ना हो, तो आप किसी रूप बदल लीजिए तो आपका ऑटोमेटिक वीडियो वायरल हो जाए? रूप का नहीं, काम करिए, मेहनत करिए, मेहनत आगे करिएगा तो सफलता खुद मिलेगा। आप YouTube एक दुकान है, दुकान में जैसे आप सामान खरीदने जाते हैं और सामान आपको मिल जाता है, उसी तरह YouTube है। YouTube में अगर आप रोज़ वीडियो पब्लिश नहीं करिएगा
तो आपका जो है देखने वाला जो व्यूअर है कंटेंट जो देखता है वो आदमी नहीं देख पाएगा ना, उसका एक टाइमिंग होता है। जैसे कि 5 बजे आप पब्लिश करिएगा तो एक्टिव रहेगा आदमी, हाँ 5 बजे एक्टिव रहेगा जो हाँ मेरा जो है कंटेंट आने वाला है, क्या कंटेंट है नहीं है वो हम देखेंगे, लेकिन वो एक्टिव रहता है। आप जब मन तब डालिएगा। जैसे कि मान लीजिए थोड़ा सा हम बात आपको समझा लेते हैं कि एक मास्टर होता है, टीचर होता है, टीचर बच्चा को पढ़ाने जाता है तो एक टाइम होता है 5 बजे या 4 बजे। अगर वो टीचर जो है सुबह शाम जखनी मन तखनी वो चल जाएगा, बच्चा पढ़ेगा नहीं नहीं टाइम तो बच्चा बच्चा जो है नकरा जाएगा। इसी वजह से एक यूट्यूब भी यही जरिया है जो यूट्यूब अपना देख के काम करवाती है। पब्लिश कैंडिडेट जो है देखने वाला वो टाइम देखता है ताकि वो व्यूअर जो है भागे ना कहीं, वो टाइमिंग बना हुआ है इस पर कि 5 बजे वीडियो डालेंगे तो ये वीडियो वायरल होगा, कहीं ना कहीं इसका टाइमिंग तो बनाया जाता है। कहीं ना कहीं ये अनुपम मौर्या जो है जो इतना दिन से ये वीडियो बना रहे थे इनका सफलता नहीं मिला था, लेकिन कहीं ना कहीं ये 5 बजे वीडियो डाले, इसके कहने का मतलब आपको इस वजह से वायरल कहने का मतलब नहीं, इसका जो वीडियो बना के हंसी खेल में ही बनाया वीडियो इंस्टा पर डाल दिया, इंस्टा पर डालने के बाद जो इसका मिलियन में चल गया भर रात, बस उसी से वायरल हो गया। कहीं ना कहीं ये है कि आपने इतना दिन से मेहनत कर रहे थे, इनका वीडियो नहीं चल रहा था, लेकिन ये वीडियो बहुत पहले से बना रहे हैं। नहीं नहीं उस समय समथिंग इसका वही सब्सक्राइबर था झुल्लर दादा के नाम से, समथिंग सब्सक्राइबर 60 या 70 हज़ार होगा। अच्छा। लेकिन अभी जो है चल रहा है 82-85 के ऊपर में है, खाली झुल्लर दादा के वो चैनल है उस पर, इंटरटेनमेंट पर तो अभी ज्यादा चल रहा है। लेकिन इनका ओरिजिनल में नाम हुआ अनुपम मौर्या जी, मौर्या नाम है, अनुपम मौर्या नाम। लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो अगल बगल में जो बैठे हैं उनका भी इनका सहयोग है इनको वायरल करने में। हाँ इसका वायरल करने का सहयोग इसका देंगे हम, श्रेय देंगे जो ये क्या नाम है विश्वकर्मा करके, रागिनी विश्वकर्मा है उसके नाम से ये फेमस हुआ है और कुछ नहीं है। लेकिन इनका पहले भी यूट्यूब चैनल चल रहा था, यूट्यूब चैनल पहले भी, और इनका जो पहले चल रहा था इनका नाम था क्या झुल्लर बाबा, या भी था झुल्लर बाबा नहीं था, झुल्लर बाबा के तो नाम से चैनल बनाया, झुल्लर बाबा के नाम से कॉमेडी बना रहा था, और ये जो है जो क्या बोलते हैं अनुपम मौर्या जी, अनुपम मौर्या नाम है इसका और कुछ नहीं है, बस अपना घर में रहता है, अपना घर में सुख। चलिए अपनी वाणी को ही समाप्त करते हैं।